चले आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड इट्स अ रियल लाइफ इंसिडेंस ये कोई मेड अप स्टोरी नहीं है और ये स्टोरी ना तो साइंस के बारे में है ना तो मेरे किसी काम के बारे में है ये स्टोरी है मेरे एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की कह सकते हैं बिकॉज़ इसमें एक बहुत बड़ा एनर्जी फैक्टर है जो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले उस समय एक बार किया था और तब से लेके आज तक वो मेरे साथ है और uh, मुझे हर समय गाइड करता रहता है तो ऐसा क्या चीज़ है ऐसा क्या हुआ था उस पूरे किस्से में वो आज मैं आपको इस कहानी में सुनाऊँगा तो आप इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनना बिकॉज़ uh, ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस भी सेम हो बट आई कैन गारंटी कि अगर आप uh, इस, इसको सुनते हैं तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पर आप भी रिलेट कर पाएंगे तो ये कहानी शुरू होती है मेरे करियर के इनिशियल uh, स्टेज में फर्स्ट फ्यू इयर्स मैंने हुए थे स्टार्ट किए हुए और उसके बाद यू you नो know, एक टाइम आता है जब आपको ऐसा लगता है कि क्या कर रहा हूँ मैं इसका लॉन्ग uh, टर्म क्या मीनिंग होगा इसकी क्या वैल्यू होगी सो so वैसे कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में भी चल रहे थे बिकॉज मैंने जब ये डिसीजन लिया था टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर और और अ ट्रेनर तो माय पेरेंट्स वर आल्सो नॉट इन माय फेवर बिकॉज उनको भी ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील हो रहा होगा कि मैं क्या करूँगा करियर में बिकॉज मेरे सभी कज़िन्स वो कुछ ना कुछ कर रहे थे कुछ इम्पोर्टेंट uh, जो सोसाइटी मानती है कुछ सिग्निफिकेंट जिसको हम बोल सकते हैं कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है कोई आर्किटेक्चर uh, पढ़ रहा है कोई फैशन कर रहा है बट मैंने चूज़ किया कि मैं एक स्पीकर बनना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट uh, करूँ और उनको गाइड कर सकूँ या नॉट ओनली स्टूडेंट्स कोई भी ऐसा पर्सन जिसको मैं इन्फ्लुएंस करके एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकता हूँ कुछ सोचने का एक अलग इसके बारे में भी एक अलग कहानी है मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन शुरुआत में था खैर वो मैं किसी और एपिसोड में बात करूँगा बट हाँ ऐसा डिसीजन मैंने लिया था और बहुत ही बोल्ड बोल्ड डिसीजन था और उसकी वजह से मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई बिकॉज़ रास्ता ही अलग था तो मंजिल भी अलग होगी अब हुआ ये कि कुछ साल हो गए थे मुझे स्टार्ट किए हुए मैंने अलग अलग चीज़ें ट्राई करी जैसे शुरुआत में मैंने एक कोचिंग सेंटर शुरू किया था जहाँ पर मैं इंग्लिश पी वगैरह पढ़ाया करता था तो वहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स था बट मैंने सोचा कि पैसा तो कमा लेंगे पर Uh, आगे बड़ा कैसे कुछ बनाएंगे बिकॉज़ सी ये रास्ता चुना था तो ये इसलिए तो नहीं चुना था क्योंकि बस पैसे कमाने बिकॉज पैसे कमाने के लिए तो एक ईजियर वे भी है uh, मैं पढ़ने में अच्छा था एटी फाइव नाइन्टी परसेंट था शुरुआत से तो एक अच्छी जॉब ले सकता था क्रिएटिव uh, था लीडरशिप थी वो सब चीज़ें हैं तो मैं एक अच्छी जॉब ले और कर सकता था ठीक है एक डिसेंट सैलरी पे आ जाता कुछ साल में और कंपटीशन में बना रहता जो सोसाइटी की डेफिनेशन से कंपटीशन है बट मैं उस कंपटीशन में उतरना ही नहीं चाहता था जिसको करना है कंपटीशन वो करे बट मैं नहीं करना चाहता अपनी साइड से मैं अपने पास पे हूँ मेरी कंपटीशन मुझसे है तो बस वैसी थाट के साथ मैंने शुरू किया था पर यह सब बातें ना करने में बहुत अच्छी लगती बोलने में बहुत अच्छा लगता है बट जब आप काम करना शुरू करते हो और चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती है या जो रिज़ल्ट आप प्रॉमिस कर रहे हो क्योंकि बाकी रिलेटिव से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट मेरे पेरेंट्स की नज़रों में मैं कुछ सही कर रहा हूँ मेरे पेरेंट्स उस चीज़ पे प्राउड कर सके ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है तो मन में ऐसे डाउट्स आने लगे थे कि थोड़ा टाइम तो हो चुका है काम करते हुए बट कुछ सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहा है और हमारी फैमिली में किसी का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है सच टीचिंग uh, में या पब्लिक uh, स्पीकिंग अपने आप में बहुत अलग है टीचिंग से तो इसमें भी किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई गाइड करने वाला नहीं था तो मैं uh, सीखता था ऑथर्स से अलग अलग वीडियोस से बुक्स से बट दैट इज़ नॉट इनफ राइट आपको पॉजिटिव माइंड तो मिल जाता है बट जब आप यू नो स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हो और वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम ऑन स्पॉट आती है तो उसको सॉल्व कौन करेगा सो यू डोंट हैव एनी तो बस वैसे ही फेज़ एक चल रहा था मैंने एक ऑफिस बंद किया दूसरा स्टार्ट किया दूसरा बंद किया तीसरा स्टार्ट किया हर बार कुछ नया करने की कोशिश कर रहा था और ना चाहते हुए भी मैं एक ऐसे स्टेज पे आ गया जहाँ पर आई फील शायद आई वेंट आफ्टर मनी बिकॉज़ सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो रहा था तो अब विजन अपनी जगह है बट ऐसा लगता है ना कि यार पैसे नहीं होंगे तो फिर विजन भी क्या सर्व करोगे तो कहीं ना कहीं वो मैं 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 उसको उस फेज़ को मिस गाइडेंस कहता हूँ क्योंकि सही गाइडेंस नहीं थी या लैक ऑफ़ गाइडेंस बोल लेते हैं चलिए इसको आ, मिस गाइडेंस नहीं बोलते लैक ऑफ़ गाइडेंस बोल देते हैं तो कुछ पता ही नहीं था क्या करना है अब अब ये मेन स्टोरी यहाँ से शुरू होती है मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दिया सो so दैट आप कनेक्ट कर पाएँ आगे पूरी स्टोरी के साथ तो आ, ऐसा होता है कि एक दिन मैं बैठा हूँ अपने ऑफिस में जो मेरा थर्ड ऑफिस था एक इंदौर से थोड़ी दूर राउ में मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पर मुझे लगा थोड़ा छोटी जगह है तो ईजी होगा लोगों से कनेक्ट करना उनको इन्वाइट करना कुछ नया दिखा पाना तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और एक दिन मैं ऐसे ही अपने ऑफ़िस में बैठा हुआ था अब क्योंकि फ़्रस्ट्रेशन का फ़ेस चल रहा था और इसी फेज़ में मैं गूगल पे कुछ सर्च कर रहा था दिन दोपहर की बात है लंच करके मैं लैपटॉप पे कुछ तो सर्च कर रहा था आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर मैं क्या सर्च कर रहा था बट या आई वाज सर्चिंग फॉर समथिंग एंड 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 फॉर श्योर ये जो मैं बात आगे बताने वाला हूँ उसके अराउंड में कुछ भी सर्च नहीं कर रहा था सो so, uh, एक फोटो दिखती है मुझे गूगल सर्च में और उस फोटो को देख के आई डोंट नो वाई आई फेल्ट लाइक एक, एक, एक वो इंस्टेंट कनेक्ट होता है ना वो फ़ोटो के साथ कुछ तो फील हो रहा था जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता इजीली बिकॉज बहुत डिफरेंट था आ, वो फ़ोटो देखी और आ, मैं सोचने लगा कि ये कौन है अब कौन है वो मैं आगे बताऊंगा कहानी में बट पहले सुनते हैं कि हुआ क्या तो जैसे ही मैंने फ़ोटो देखी मैं ऐसा लगने लगा कि बस मैं देखते ही जाऊँ फ़ोटो को मैं देखता रहा एक्चुअली और मैंने उस फ़ोटो को ज़ूम इन किया और मैं ध्यान से देखने लगा मुझे ऐसा अंदर से फील आ रहा था कि मैं ये फ़ोटो को बस सामने रखूँ और बैठ जाऊँ सुकून से और कुछ भी ना सोचूँ और मैंने शायद वैसे ही किया मैंने वो फ़ोटो को पूरा स्क्रीन पे फुल साइज़ में किया मैंने मैंने लिटरली कुछ भी सर्च नहीं किया उनके बारे में कि कौन है क्या है ऐसा क्यों फील हो रहा है उस समय मैं इंट्यूशन में एक्चुअली बहुत मानता हूँ तो इंट्यूशन बस कह रही थी कि बैठ जा शांति से और बस इस तस्वीर को देखता रहे मैंने वही किया थोड़ी देर मैंने देखा तीन मिनट चार मिनट शायद और मैं एक स्टिल हो चुका था मेरे माइंड में कोई थाट नहीं थे ना फ्रस्ट्रेशन है ना टेंशन है ना हैप्पीनेस है ना दुख है ना सुख है कुछ भी कुछ भी फीलिंग नहीं हो रही है बिल्कुल न्यूट्रल ब्लैंक और मैं तस्वीर को देखता रहा और इंटरेस्टिंगली आई डोंट नो कैसे बट आंखों से आंसू निकलने शुरू हुए और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये क्यों हो रहा है हाँ मैं थोड़ा स्पिरिचुअल रिलीजियस टाइप का पर्सन हूँ बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर चीज़ को देख के इमोशनल हो जाऊँ मैं इमोशनली स्टेबल भी हूँ साथ साथ में तो आँखों से आंसू आना वॉज़ नॉट नॉर्मल मैंने वो एक्सपीरियंस किया फ़र्स्ट टाइम इतना स्ट्रांग इंटेंस कनेक्शन सो आंसू आते रहे मैंने रोकने की कोशिश करी मैं वाइप करता रहा और आंसू आते रहे आते रहे आते रहे फिर मैंने एक पॉइंट पे कंट्रोल करना भी बंद कर दिया कि ठीक है मे भी कोई इमोशनल ब्लॉकेट है जो रिलीज़ हो रहा है तो होने देते हैं इसको फिर 10-15 मिनट बाद लगभग ये सब चलता रहा उसके बाद मुझे फ़ील हुआ कि मैं पता करना चाहता हूँ कि ये है कौन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है और और जब मैंने गूगल इमेज सर्च किया था ना तो उस समय पे कई 20-25 इमेजेस मेरे सामने थी बट उसमें कोई भी रेलिवेंट नहीं थी सिर्फ ये एक तस्वीर थी जिसको देख के मेरा ध्यान बस अटक गया तो 10-15 मिनट के बाद मैं जब थोड़ा सा नॉर्मल फील कर रहा था तो मैंने गूगल पे उनके बारे में पढ़ना शुरू करा और फिर मुझे पता चला कि ये हैं नीम करोली बाबा आज भी मैं उस मोमेंट के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट ब्लेस्ड मोमेंट अगर कोई है तो वो ये हो सकता है मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ ये बात बिकॉज उसके बाद से चीज़ें बहुत अलग हो गई थी तो मुझे पहली बार पता चला नीम करोली बाबा के बारे में और मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा था कि मुझे इनसे मिलना है मुझे दर्शन करना है मुझे एक बार तो उनके पास जाना है क्योंकि जिनकी तस्वीर रेंडमली स्क्रीन पे आके इतना इंटेंस आपको वाइब्रेशन दे मैं इस समय जब आपसे ये स्टोरी बोल रहा हूँ ना तो मुझे अभी भी बम्स आ रहे हैं बट दिस इज़ सो ट्रू दिस इज़ सो स्ट्रोंग तो मुझे मिलना है मुझे जाना है बट मैं बहुत यंग था और इतने पैसे थे नहीं कि मैं अपना ऑफिस चलाने के साथ साथ मैं अलग से इनके आश्रम भी चला जाऊं बिकॉज़ इनका आश्रम है नैनीताल में कैंची धाम अब कैंची धाम की कहानियाँ फिर मैंने पढ़नी शुरू करी तो मुझे पता चला कि ये कोई साधारण व्यक्ति या कोई संत नहीं थे ये इन्हें खुद आ, श्री हनुमान जी का अवतार माना जाता है कई लोग उन्हें उनका एक रूप कहते हैं एक अवतार कहते हैं कई लोग उन्हें कहते हैं कि इनके पास वो सिद्धियाँ थी जो हनुमान जी के पास थी तो कुछ तो बात थी पता नहीं अब कितना सच था कितना नहीं उस समय पे मैं नहीं जानता था तो मुझे बस एक मन में जो बोलते हैं ना एक एक थॉट था बस कि मुझे मिलना है अब कोइंसिडेंसेस इंसिडेंसेस यहाँ से शुरू होते हैं मैं एक ऑथर को बहुत पढ़ता था आपने भी सुना होगा ब्रायन ट्रेसी तो वो इंडिया आने वाले थे फर्स्ट टाइम वो इंडिया आए थे और मैं चाहता था कि मैं उनसे मिलूँ क्योंकि उनकी भी किताबें मैंने इतनी सारी पढ़ी हुई थी और उनको तो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो भी करता था उस समय मैं अपने नोट्स भी बनाया करता था उनके लेक्चर से तो मैं उनसे लाइव मिलना चाह रहा था तो मुझे पता चला दिल्ली में उनका इवेंट होने वाला है तो वहाँ तो मुझे जाना ही है मैंने प्लान किया मैंने टिकट खरीदा उनके इवेंट का और मैं वहाँ चला गया अब वहाँ जाने के पहले का थोड़ा सा एक छोटा सा किस्सा है कि मैंने मम्मी को अपनी बताया था कि मम्मी देखो मैं मैंने ना आज जैसी तस्वीर देखी और उसको देख के मुझे ऐसा ऐसा फ़ील हुआ पंद्रह बीस मिनट आधा घंटा कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला और इतना ज़्यादा मुझे आंसू आ रहे थे इतना ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था कि मैं बता भी नहीं सकता तो मैं इनके पास जाना चाहता हूँ अब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी था ये मैंने अपने घर पर बैठ के मम्मी से भी बात किया था उनको बताया था कि मैं दिल्ली तो जा ही रहा हूँ तो मैं नैनीताल भी शायद जा सकता हूँ अब उन्होंने बोला ठीक है देख ले अगर तू जाना चाहता है जा सकता है तो चला जा कोई बात नहीं है और मैंने सोच लिया कि अब तो जाएंगे बट एज़ आई टोल्ड यू फाइनेंशियली थोड़ा सा कंस्ट्रेनस थे तो उसकी वजह से जा पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट था बट देन आई सेट कि दिल्ली तो चलते हैं फिर देखते हैं आगे का क्या है बिकॉज वही बात है किसी ना किसी ने मुझे बताया नहीं था ना मैं उनको पहले से जानता था तो जाना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था बट ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ही ज़्यादा पुश करता तो मैं डेली तक का प्लान करके निकल गया अब मैं डेली पहुँचता हूँ और कोइंसिडेंटली ये सब कुछ एक महीने के अंदर अंदर हुआ उनकी तस्वीर देखना और उसके बाद मेरा डेली जाना मैं डेली गया और वहाँ पर इवेंट वग़ैरह हो गया हालाँकि वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स काफ़ी आई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे लेके नहीं गया था तो रहने के लिए थोड़ा नॉर्मल सा कुछ चाहिए था कि ठीक ठीक सा मिल जाए आ, सस्ता सा मिल जाए और फूड को लेके भी यही था कि ठीक है कुछ ऐसा खा लेंगे जिससे पैसे भी ना लगे और भूख भी मट जाए रात को नींद आनी चाहिए सुबह उठ के तो फिर हमको इवेंट के लिए जाना ही है वहीं लंच मिलने वाला था फाइव स्टार होटल में था तो ठीक है मतलब ऐसा था कि अच्छा लंच मिल ही जाएगा अब मैं पहुंच गया और इवेंट के प्लेस पे जागता हूँ इवेंट बहुत अच्छा होता है सब कुछ बढ़िया है अब मैं रिटर्न इवेंट ख़त्म होने के बाद में रिटर्न घर के लिए बस स्टैंड जाता हूँ कि मैं यहीं से बस ले लूँगा और वापस इंदौर चला जाऊँगा बट पता नहीं क्यों और कहाँ से मैं जब तक दिल्ली में था ना तब तक मेरे माइंड में ये थॉट नहीं था बट जैसे मैं बस स्टैंड पहुँचा तो वहाँ पर मुझे एक बोर्ड दिखा जिस पर लिखा हुआ था नैनीताल तो नैनीताल का बोर्ड देख के मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे यहाँ भी तो जाना था बट मेरे पास मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ आज शायद आप विश्वास नहीं करोगे इस बात पे बट मैंने एक तो मैं जब टेंथ में था तब से घर से पैसे लेना बंद कर दिए थे तो जो भी होता था चाहे वो बिज़नेस में किया हो या ट्यूशन पढ़ा के या जैसे भी किया हो मैंने खुद से ही करा तो मैं घर से कभी नहीं लेता था तो मेरे पास मैं ऑनेस्टली सिर्फ उतने पैसे थे कि मैं एक दिन रुक सकता था और इंदौर वापस आ सकता था बस इतना मेरे पास था और नैनीताल का बोर्ड देख के मुझे फिर से वही सारी चीज़ें याद आ गई जो मेरे साथ उस ऑफिस में हुई थी उस दिन तो आई डिसाइडेड कि ठीक है नैनीताल चलते हैं अब जाके देखेंगे क्या होता है कैसे होता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा मैं जाऊँगा दर्शन करूँगा और फिर रिटर्न आ जाऊँगा अब मैं ने टिकट दिल्ली से इंदौर की लेते लेते ले ली दिल्ली से नैनीताल की जो ऋषिकेश जाती है ना बस बस वो उनके आश्रम के बाहर ही होके निकलती है तो मैंने टिकट ले लिया नैनीताल का अब आई डेंट नो एनी थिंग अबाउट कि कैसे क्या वर्क करता है बसेस कहाँ से कहाँ लेके जाती आश्रम पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा बिकॉज उसके ऊपर मैंने रिसर्च नहीं किया था एज बिकॉज जाने का कोई प्लान नहीं था बस ले लिया और मैं निकल पड़ा अब मैं बस में बैठा हूं और यू नो वॉट ना तो मेरे माइंड में इवेंट का कोई ख्याल है ना मेरे माइंड में घर जाने का कोई ख्याल है अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं नैनीताल जा रहा हूँ एक दिन में वापस आ जाऊँगा और मैं निकल गया पूरे टाइम बस में बस एक ही ख्याल चलता रहा कि पता नहीं कैसा आश्रम होगा कहाँ मैं रुकूँगा और दर्शन होंगे कि नहीं होंगे और पता नहीं क्यों मैंने सर्च नहीं किया था कि बाबा जी वहाँ उस आश्रम में अब है भी या नहीं है मैं बस चला गया दर्शन करना है दर्शन करना है वहाँ जाके मुझे पता चलता है कि बाबा जी जो है वो समाधि ले चुके हैं तो वो अब आश्रम में नहीं है मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं है क्योंकि आगे की कहानी सुन के आप और भी ज़्यादा शौक हो जाओगे कि वाट काइंड ऑफ प्लेस इज़ कैची धाम अब मैं नैनीताल पहुँचता हूँ और आपको अगर पता हो तो मैं जिस जगह पर उतरा था आश्रम के लिए वो जगह सात बजे बंद हो जाती है उसके बाद ना तो वहाँ से बस मिलती है और ना ही कोई आपको वो लोकल ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा बिकॉज पहाड़ों के बीच में है और मुझे वहाँ पर उतार दिया बस ने और मैं खड़ा रहा वेट करता रहा कि अब आश्रम जाने के लिए मुझे पहाड़ से नीचे उतरना लगभग आठ से दस किलोमीटर अब मैं पैदल चल के जा नहीं सकता बिकॉज ऑलरेडी अंधेरा होना शुरू हो गया था और कोई दूसरा ट्रांसपोर्टेशन मिल नहीं रहा था और मैं वेट करता रहा करता रहा करता रहा मैं मैंने फिर मन में यही आया कि बाबा जी कि आपके लिए मैं यहाँ तक आ गया हूँ अब आगे की व्यवस्था बताइए बिकॉज़ आसपास के दुकान वाले और जो रेस्टोरेंट वाले थे वो भी ये बोलने लगे थे कि भैया आप खड़े रहोगे तो खड़े रह जाओगे क्योंकि यहाँ से आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा नहीं अब या तो आप हिम्मत करो और वॉक करना शुरू करो और नहीं तो फिर यहीं पर रुक जाओ सुबह सुबह जाना था सेट कि रुकने का तो एक ही दिन के पैसे हैं तो अगर यहाँ पे रुक गया तो वहाँ कैसे जाऊँगा तो इसलिए मैंने वेट करना उनको इग्नोर किया और वेट करना का सोचा मैं वेट करता रहा और मैंने कहा बाबा जी अब चलो किसी को भेज दो अंधेरा हो गया है ऑलमोस्ट आठ बज चुकी थी इतने में एक ट्रैक्स लेके आता है व्यक्ति और पूरी ट्रैक्स खाली है ठीक है और उसने गाड़ी रोकी खुद ही ने रोकी मैंने उसको हाथ नहीं दिया मैंने उससे लिफ्ट नहीं मांगी उसने खुद गाड़ी रोकी मुझे देख के और वो आया बोलता भैया कहाँ जाना है आपको आईसेट कि मैं कैची धाम जा रहा हूँ तो वो बोलता है ठीक है आ जाओ मैं आपको छोड़ दूँगा अब क्या होता है ना आप पहली बार इतनी दूर गए हो और ट्रस्ट फैक्टर भी रहता है क्योंकि आप नए शहर में हो, हो और वो भी ऐसा एक यू know थोड़ा सा इंटीरियर वाला एक मेन शहर नहीं है वो तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं जाऊँ कि नहीं जाऊँ साथ में बट आई सेट कि वो और कोई ऑप्शन नहीं है तो चलते हैं मैं बैठा गाड़ी में मैंने उनसे पूछा मैंने कहा भैया आपको मेरी वजह से डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं जाना पड़ेगा नहीं तो आप रहने दो मैं किसी और के साथ चला जाऊँगा तो वो बोलते कि नहीं नहीं मैं उधर से ही जा रहा हूँ मैं आपको छोड़ दूंगा अब इंटरेस्टिंगली मैंने उनकी गाड़ी देखी तो डैशबोर्ड के ऊपर एक फ़ोटो लगी हुई थी और वो फोटो थी नीम करोली बाबा की और मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया आप बाबा को मानते हो उसका एनर्जी उसका वो पैशन उसका वो यू नो एक होता है ना जब आप बहुत कन्विक्शन से बात करते हो तो बहुत डिफरेंट महसूस हो जाता है ऑलरेडी तो उसका वो सुनने लायक था जब उसने बोला कि सर मानता हूँ मेरे पास आज जो कुछ भी है वो सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ नीम करोली बाबा का दिया हुआ है बिकॉज़ आपको मैं कहूँगा तो आप मानोगे नहीं मेरी गाड़ी देख के क्योंकि ये नई गाड़ी अभी ली है मैंने कुछ महीनों पहले बट मेरे पास एक समय ऐसा चल रहा था कि हमने चार से पाँच महीने उस आदमी ने और उसकी वाइफ ने चार से पाँच महीने दिन में एक बार एक एक रोटी खा के निकाला है ये बात जब उसने मुझे बताई तो मुझे बहुत ही सैड फील हुआ क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ऐसे किसी का स्ट्रगल सुनते हो तो यू कॉन्ट इमेजिन कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया होगा उस वो किस दौर से गुजर रहा होगा उस समय पे जब एक एक रोटी खा के उसके हस्बैंड और वो खुद और उसकी वाइफ दिल निकाल रहे थे तो वो बोलता है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि बाबा कितने चमत्कारी हैं या उन्होंने क्या कुछ नहीं दिया मुझे आज उस दौर से निकल के आज मैं मेरे पास में सात गाड़ियां हैं ये गाड़ी मैंने कुछ महीनों पहले ली है और सात ऐसी गाड़ियां मेरे पास है और टूर्स एंड ट्रैवल्स का मेरा बिज़नेस है और उनका दिया सब कुछ है मेरे पास तो वो सुन के मेरी विश्वास मेरी आस्था थोड़ी सी और बढ़ने लगी मुझे लगा अब तो मुझे जाना ही है देखते हैं और क्या है एंड हाँ तब तक मुझे ये बात पता थी इंटरनेट पे मैं सर्च कर चुका था क्योंकि उनके बारे में कि स्टीव जॉब्स जब आए थे इंडिया तो ऐबल के डिफ़िकल्ट टाइम्स में तो उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में मैंशन किया ये बात कि जब वो इंडिया आए थे तो वो किसी आश्रम गए थे आपने शायद जॉब्स मूवी देखी हो तो उसमें भी वो वाली चीज़ दिखाई है कैची दाम नहीं दिखाया बट ये वाला पार्ट दिखाया कि वो इंडिया आए थे उसके बाद वापस जाके उनको एक बहुत इंस्पिरेशन मिली थी और एप्पल के ऊपर उन्होंने कुछ डिफरेंट अप्रोच के साथ वर्क करना शुरू किया था एंड देन दैट स्काई रॉकेटेड एंड सेम थिंग थिंगपन विद मार्क जकरबर्ग कि उनका डिफ़िकल्ट टाइम था फेसबुक का तो वो स्टीव जॉब्स को अपना मैंटर मानते थे तो उनसे पूछा कि अब मैं क्या करूँ ही सेट जस्ट वन थिंग कि मैं कुछ नहीं बताऊँगा इंडिया में एक आश्रम है वहाँ पर जाओ और इसी आश्रम की वो बात कर रहे थे कि वहाँ पर जाओ आपको वहाँ से इंस्पिरेशन मिलेगी और आपको ख़ुद समझ आ जाएगा कि क्या करना चाहिए तो उन्होंने भी वैसे ही कुछ एक्सपीरियंस किया ये बात मैं पढ़ चुका था इंटरनेट पे ऑलरेडी तो उसकी वजह से भी मैं और ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं देखना चाहता हूँ स्टीव जॉब्स को मैं भी, भी बहुत बड़ी इंस्परेशन मानता हूँ अपने लिए शुरुआत से उनको देखता आया हूँ उनको फॉलो करता आया हूँ उनकी बातें मुझे बहुत ज़्यादा सही लगती है इसलिए तो एक्साइटमेंट uh, बढ़ता जा रहा था उन्होंने मुझे छोड़ दिया आश्रम के बाहर आश्रम को देख के फिर से इमोशनल फील होने लगा था कि चलो मैं फ़ाइनली यहाँ तक आ गया एक इमेज देखी थी कुछ दिन पहले और आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो उनके बुलावे के बिना तो नहीं हो सकता ये मैं मानता हूँ कि अगर आप ऐसे किसी जगह पर रेंडमली विदाउट एनी प्लान आप पहुँच रहे हो तो ये बिना उनकी कॉलिंग के नहीं होता तो होगा कुछ लिखा होगा डेस्टिनी में तो मैं वहाँ पहुँच गया अच्छा मैंने निकलने से पहले ये ज़रूर देखा था जब मैं इंटरनेट पर पढ़ रहा था कि उनके आश्रम कभी भी जाओ तो वहाँ पर स्टे की फ़ैसिलिटी रहती है तो आप वहाँ पर रुक सकते हो तो यही सोच के मैं गया था कि मैं वहाँ पर रुक जाऊँगा बिकॉज़ पैसे कम थे तो मैं बाहर होटल्स अफोर्ड नहीं कर सकता था अब मैं आश्रम के गेट पे पहुंचा क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था साढ़े आठ बजे तक मैं आश्रम पहुंचा था और मैंने वहाँ पर गेट पे खड़ा रहा तो उन्होंने बताया मुझे कि भैया आपको यहाँ पर रुकने नहीं मिलेगा बिकॉज़ यहाँ रुकना चाहते हो तो आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ती है आई सेट कितना पहले ये सेट लगभग दस महीने पहले एक साल पहले से बुकिंग हो जाती है जो आने वाला है उनकी आपको कुछ महीने पहले तो ट्राई करना ही होता है इनकेस कोई जगह खाली हो तो आई ऐसे कि सर मैं यहीं रहने के भरोसे आया हूँ इतना रात हो गई है चार पांच पहाड़ों के बीच में वो आश्रम बना हुआ है मैं जाऊँगा कहाँ यहाँ से तो दे देठ कि वो मुझे नहीं पता सर आप देख लीजिए बाहर कहीं भी होटल्स हैं आस पास वहाँ पर रुक जाइए अब उनको कौन बताए कि मेरे पास पैसे होते तो मैं पहले ही होटल चला जाता बट वो ऑप्शन नहीं था इसी बीच वेट करते करते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भूख लग चुकी थी तो मैंने सोचा चलो ठीक है अब कुछ सोचते हैं बट उसके पहले कुछ खा लिया जाए अब ये कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट है ओके आप सुनते जाना आपको बड़ा मज़ा आएगा मैंने खाने के लिए आगे चलना शुरू करा तो मुझे एक रेस्टोरेंट दिखा वहाँ पर मैं गया तो उसने बोला कि सर खाना ख़त्म हो चुका है यहाँ पर सात बजे सब कुछ बंद हो जाता है तो उसके पहले सब फिनिश हो जाता है तो अभी तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है ऐसा चलो ठीक है दूसरे होटल दिखी मैं वहाँ गया वहाँ पर रूम्स भी थे और रेस्टोरेंट भी था मैंने उससे पूछा तो बोलता है हाँ सर खाना मिल जाएगा बट आपको यहाँ पर रूम लेना पड़ेगा ऐसे नहीं मुझे रूम नहीं चाहिए मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ खाने के लिए चाहिए तो जो भी अवेलेबल हो थोड़ा बहुत मुझे चल जाएगा ये सेट नहीं हो पाएगा सर जो यहाँ रुकता है उसी के लिए हम लोग खाना बनाते हैं मैंने उसे बहुत ज़िद करी थी हालांकि आप भाई आप खाना तो दे सकते हो कम से कम अगर रूम नहीं ले रहे मैं उसका पैसा देने के लिए तैयार हूँ तो ही सेट कि नहीं सर वो होता नहीं है हम लिमिटेड ही बनाते हैं बिकॉज़ और कहीं से हमारे पास ऑप्शन नहीं होता मैनेज करने का आई सेट ओके फाइन तो उसको भी छोड़ के मैं आगे बढ़ गया वहाँ पर एक सरदार जी का रेस्टोरेंट था वहाँ वो कड़ी चावल बेचते थे मैं उनके पास गया तो वो उन्होंने भी यही कहा कि सर ख़त्म हो गया है हाँ अगर आप चाहते हो वैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो हेल्प तो करना चाहते हैं तो उन्होंने मुझे ये ऑफ़र किया कि हमारे पास हमारे खाने के लिए जो डिनर के लिए हमने रखा था वो बचा है आप अगर चाहो तो हम उसमें से आपको दे देते हैं ऐसे नहीं ये तो नहीं हो पाएगा मैं आपके उस हिस्से का तो नहीं लूँगा अगर एडिशनल उसके अलावा कुछ हो तो आप मुझे बता दीजिए तो सेट नहीं है ठीक है उसके अलावा वहाँ पर ऑप्शंस नहीं थे और मैं फिर आया वापस और आश्रम के जस्ट सामने एक छोटी सी दुकान है एक घूमटी होती है ना बस इस तरह की एक दुकान है एक ओटला है उस पर आप ऊपर चढ़ते हो उसके बाद वो दुकान आती है तो मैं उनके पास गया वो खुली हुई थी आई सेड सर कुछ खाने के लिए मिल जाएगा कुछ पैक्ड फूड ही मिल जाए बट कोइंसिडेंटली और सरप्राइजिंगली वहाँ पर भी खाने के लिए कुछ भी नहीं ना तो कोई बिस्किट्स है ना कोई कुकीज़ थी ना कोई चिप्स का पैकेट ना कोई कुरकुरे कुछ भी आपको वहाँ पर नहीं मिल रहा था तो मैं परेशान हो गया था इस चीज़ से कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर खाने के लिए इतनी बड़ी जगह में पर मैंने उनसे पूछा कुछ भी ऑप्शन हो थोड़ा सा भी तो चल जाएगा मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ तो उन्होंने कहा कि हाँ हम पकौड़े बनाते हैं तो उसका घोल थोड़ा सा रखा हुआ है आप बोलो तो आपके लिए बना देता हूँ सेड ठीक है भाई यही कर दो उसने मुझे एक प्लेट पकोड़े बना के दिए आइड कितने के हैं बोलता ट्वेंटी रुपीज़ मैंने ट्वेंटी रुपीज़ दिए उसने मुझे पकोड़े एक प्लेट में दिए अब आप विश्वास नहीं मानेंगे उस बीस रुपये में उसने मुझे छः पकौड़े दिए छोटे छोटे से और मैंने उनसे पूछा भाई और दे दो ठीक है कम दे रहे हो वो ठीक है बट मैं और पैसे दे दूँगा एक प्लेट और दे दो तो ही सेट के ख़त्म हो गया नाउ आई डोंट नो कि इतना भूखा रखने का क्या कारण था बट बाबा जी शायद यही चाहते थे कि ज़्यादा मत खाओ पता <laughs> नहीं क्यों बट ऐसे ही कुछ था अब मैं बैठ गया अब मैंने उनसे ये भी पूछा कि भैया कोई रूम की व्यवस्था हो तो सोने की थोड़ा जुगाड़ हो जाए कुछ तो इस सेट कि मेरे पास रूम तो है बट उसमें चार बेड लगे हुए हैं और चारों बेड ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ तो अभी कोई भी खाली नहीं है सुबह एक होने वाला है तो आप सुबह शिफ्ट हो सकते हो तो आई सेट अभी मैं रात में कहाँ जाऊँगा बिकॉज़ जो होटल्स थी उनका टैरिफ बहुत ज़्यादा था कोई लेक व्यू बोल के ज़्यादा पैसे ले रहा है कोई रिवर व्यू बोल के ज़्यादा पैसे ले रहा है कोई माउंटेन व्यू बोल के ज़्यादा पैसे ले रहा है तो वो ऑप्शन थे नहीं अब उन्होंने मुझे एक ऑप्शन सजेस्ट किया ये वाला जो इंसिडेंस है ना ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग भी था इंस्पायरिंग भी था स्पिरिचुअल भी था बिक मेरे पास क्योंकि सोने के लिए कोई जगह नहीं थी मेरे पास क्योंकि पैसे नहीं थे कि मैं एक रूम लेके और वहाँ पर रह लूँ मैं उस दुकानदार के ओटले पर रात को माइनस वन डिग्री टेम्परेचर पे उसी बेंच पे जहाँ बैठ के लोग चाय पीते हैं उसी बेंच पे सोया हूँ उस रात और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक भिकारी है जो उस मंदिर के सामने बैठता था जो अंधा था वो सोया करता था उस होटले पे अभी भी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तो मुझे नहीं पता बट जब मैं वहाँ था तो वो वहाँ पर होटले पर उसकी सोने की जगह थी तो वो भैया जो दुकान वाले थे वो उसके लिए बेंच को अरेंज कर दो बेंच को मिला के लगा देते थे और वो रात को वो बिकारी जो अंदर था वो आके उस बेंच पे सोता था तो भैया ने मुझे ऑप्शन दिया कि देखो इसके लिए मैं ये बेंच लगाता हूँ तो इस तरह से आप बोलो तो आपके लिए भी उसी के साथ लगा देता हूँ ये बात जब उन्होंने मुझे कही तो आप विश्वास नहीं मानेंगे मेरे बॉडी से पूरा यू नो एक्साइटमेंट पूरी एनर्जी वो पॉजिटिविटी सब उतर गई क्योंकि अब ये एक्सपीरियंस कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि मैं ऐसा भी कभी देखूंगा या ऐसा भी कभी एक्सपीरियंस होगा मुझे अपनी लाइफ में ये कभी सोचा नहीं था मैंने तो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था पूरा बोलते ना कि शरीर से पानी उतर गया हो इस तरीके से कुछ आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस बट वो मोमेंट वैसे ही कुछ था में भी स्पिरिचुअल जर्नीज ऐसे ही शुरू होती है कुछ तो डिफरेंट होता है उसमें और मेरे लिए वही शुरुआत भी थी तो मैंने कहा ठीक है भाई आप यही कर दो कहीं तो सोना पड़ेगा या तो मैं नीचे सोऊंगा बट वहाँ पर डॉग्स वगैरह थे बहुत सारे तो आई सेट कि ठीक है आप लगा दो मैं यही सो जाऊँगा इससे आप हम्बल होना सीखते हो यू you नो know? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम नॉर्मली देखते हैं आस लोग बिकारियों को जो यू you नो know, ब्लाइंड है स्पेशली एबल्ड है कोई भी इस तरह के जो लोग हैं उनको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट नहीं करते और मैं ऐसे ही व्यक्ति के साथ मैं सो रहा था तो अच्छा था एक्सपीरियंस आई मीन अलग था और बस फिर वो रात हुई और ब्लैंकेट वगैरह कुछ था नहीं तो वैसे ही जो भी अवेलेबल था वो अपनी जैकेट को ही उतार के मैंने ऊपर से ब्लैंकेट की तरह कवर करके सो गया अपने बैग को वहीं अपने पिलो की तरह यूज़ करके और रात भर चार पांच डॉग्स वो बिकारी मैं हम उस होटले पे सोए अब रात भर मुझे ऑनेस्टली नींद तो ऐसी आनी नहीं थी बट सोचता रहा कुछ ना कुछ कि देखो बाबा जी आपके पास मैं आया हूँ और अब ये देखो क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मुझे ये नहीं चाहिए मुझे इससे बहुत ऊपर और बहुत आगे निकलना है बट ठीक है आपने मुझे जो एकदम ग्राउंड रियलिटी दिखाई है वेन यू हैव nothing बोलते हैं ना कि जब खोने के लिए कुछ भी ना हो वो वाला अनुभव आपको जब मिल जाता है ना तो आपको ऐसा लगता है कि यार हर चीज़ पाने के लिए ही है बस अब अब खोना क्या है तो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ और बढ़ जाती है मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है वो क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं आज भी उस इंसीडेंट्स uh, को रेफरेंस की तरह यूज़ करता हूँ जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि क्या ही वर्स्ट हो जाएगा तो वो इंसीडेंट्स मुझे याद दिलाता है कि हाँ तूने देखा है भाई वाला टाइम भी देखा है भले ही एक रात के लिए बट हाँ देखा है अब अगला दिन होता है मैं उठता हूँ और वो रूम खाली हो जाता है उसमें एक बेड खाली हो जाता है तो मैंने वो बेड लिया वो अंकल ने मुझे शायद तीन सौ रुपये या साढ़े तीन सौ रुपये में वो रूम दे दिया था आई मीन बेड दे दिया था इंटरेस्टिंग ये है वहाँ पे कि उनके यहाँ पर जो टैप होते हैं ना नल लगे होते हैं जो वॉशरूम्स में बाथरूम में आपके लिए वो सभी सीधे पहाड़ में कनेक्टेड होते हैं तो उनका कोई पाइपलाइन नहीं है उनका कोई सिस्टम uh, नहीं है ऐसा कि आपका कोई टैंक वगैरह बनाओ कुछ नहीं सीधे पहाड़ में नल लगा दिया और आप उसी में से पानी निकाल के यूज़ करते हो पीने के लिए भी वही है नहाने के लिए भी वही है तो मैं फटाफट से रेडी हुआ बिकॉज अब मैं एक्साइटेड था आश्रम जाने के लिए तैयार होते हैं और तैयार हो के मैं आश्रम पहुँचा मैं क्योंकि वो रूम मैंने लिया था चार तीन और लोगों के साथ में तो उनसे मेरी सुबह सुबह थोड़ी सी बातचीत हो गई थी कि, कि कौन कहाँ से है क्या है नाम पता वगैरह ऐसे थोड़ा सा पता कर लिया था तो हमारा यही प्लान था कि अभी आश्रम जाएंगे फिर लंच करेंगे साथ में अब ब्रेकफास्ट भी करना होता है ना तो वो रात का तो कुछ खाया नहीं था तो फिर ब्रेकफास्ट भी करना था तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आश्रम जा रहा हूँ और दर्शन करके और फिर मैं आता हूँ थोड़ी देर में और फिर हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे मैं गया और मुझे ध्यान है मैं पहुँचा था लगभग सात सवा सात बजे के आसपास सुबह और वहाँ पर एक खाट रखी हुई है आश्रम में जहाँ पर बाबा जी बैठा करते थे उनका ब्लैंकेट उसके ऊपर आज भी डला हुआ है और जो भी उस आश्रम जाता है और ध्यान करता है तो वो उस खाट के सामने बैठ के ध्यान करता है ये मान कर इस विश्वास से कि बाबा जी आज भी वहीं हैं और उनके सामने आप ध्यान कर रहे हो तो अब ये जो एक्सपीरियंस है ये मैंने जीवन में कभी नहीं किया था मैं सात सेवा सात बजे वहाँ पहुँचा दर्शन किए और मैं उस खाट के सामने बैठ गया आपने तस्वीर देखी होगी बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ गूगल पे अवेलेबल है आप सर्च कीजिएगा बाबा जी का आश्रम में जो फ़ोटोज़ हैं जहाँ पर वो बैठे हैं वही खाट है और उनके सामने जिस तरह लोग बैठा करते थे उनके सामने वैसे ही हम भी बैठे हुए थे बस बाबा वहाँ फिजिकल फॉर्म में नहीं थे बट उनकी एनर्जी आप महसूस कर सकते हो मैं बैठा मैंने भी आँखें बंद की और ध्यान करा करना शुरू किया और थोड़ी देर बाद मुझे बुलाने आता है मेरा एक रूममेट जिसके साथ मैं शेयर कर रहा था और मुझे बोलता यश भाई चलो उससे मेरी मेरा ध्यान भंग हुआ था ध्यान टूटा था मैं ध्यान के स्टेट से बाहर आया था और उसने मुझे बोला कि यश भाई चलो और कितनी देर बैठोगे तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है दस पंद्रह मिनट हुए हैं उसको इतना इंतज़ार भी नहीं हुआ ब्रेकफास्ट कर लेते थोड़ी देर में क्या प्रॉब्लम थी मैंने कहा कि इतनी जल्दी क्या भी कर आता हूँ मैं फिर ब्रेकफास्ट करते हैं आप लोग या करना हो तो शुरू कर लो वो व्यक्ति बोलता है मुझे कि भाई ब्रेकफास्ट नहीं लंच करने के लिए बुला रहा हूँ सेड लंच आठ बजे कौन लंच करता है तो ही सेड आठ नहीं बज रही है भाई एक बज रही है उस समय एक बज गई थी ऑलरेडी एंड मुझे नहीं पता आज भी मैं नहीं जानता कि वो सुबह सवा सात बजे से लेकर के एक बजे दोपहर का टाइम कहाँ गया क्या चल रहा था दिमाग में क्या हो रहा था मेरे आसपास आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल सेकेंड आउट ऑफ यू नो दैट टाइम पीरियड दैट स्लैब मैं शॉक था इतना डीप इतना गहरी अवस्था में आप इंस्टेंटली कैसे जा सकते हो तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि हाँ कुछ तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉग है बिकॉज मैंने वहाँ देखा था बहुत सारे लोग ध्यान में बैठे थे और वो मूव भी नहीं कर रहे थे तो जितनी देर मैंने वहाँ आश्रम में बाकी मंदिर वगैरह में दर्शन किए थे उतनी देर कोई भी मूव नहीं कर रहा जो ध्यान में बैठा है वो ध्यान में बैठा है तो वही एक्सपीरियंस मुझे भी हुआ मैंने कहा ठीक है चलो लंच करते हैं मैं वहाँ से चला गया अब लंच करने के बाद मुझे लगा कि जल्दी से शाम हो तो मैं दोबारा आश्रम जाऊँ बिकॉज़ अब तो शाम में आरती वग़ैरह भी होगी तो मैं गया मैंने आरती अटेंड किया वो सब कुछ हो गया तो ये हमारा डे वन था मेरा प्लान नहीं था रुकने का बट मैंने सोचा कि एक दिन और मैं रुकना चाहता हूँ इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी मैं महसूस करना चाहता हूँ वापस तो हम रुक गए रात भर हमको वहाँ की कहानी किससे पता चले आरती हुई आ, फिर उसके बाद हम अपने रूम पे आ गए लंच वगैरह और डिनर वगैरह हमारा हो गया था ना अगले दिन सुबह वापस वही हुआ मैं आश्रम गया आश्रम जाके मैं वापस आया अभी मैं ध्यान में इतनी देर नहीं बैठा था मैं बस दर्शन करके वापस आ गया था ब्रेकफास्ट करके क्योंकि मुझे उस आश्रम के पीछे जो पहाड़ था ना उस पर जाना था सो so, मैंने कहा कि अब यहाँ तक आया हूँ तो थोड़ा सा ट्रैकिंग भी हो जाएगा तो मैंने अपने रूममेट्स से बोला कि आप लोग चल रहे हो तो चलो मैं ऊपर जाने का सोच रहा हूँ सो दे एट कि नहीं नहीं आप ही जाओ हम तो हमसे नहीं चलाएगा इतना तो मैं अकेला ही चला गया हिम्मत करके और उस पहाड़ पे नॉर्मली कोई जाता नहीं है मुझे दुकानदार ने बोला था कि ज़्यादा कोई जाता नहीं है तो आप ना जाओ तो बेहतर है बट मैं ज़िद में रहा मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊँगा मैं चला गया थोड़ी देर ऊपर चढ़ता रहा चढ़ता रहा सब अच्छा था पॉजिटिव था बड़े अच्छे नज़ारे थे डॉग्स दिख रहे थे और वो सब कुछ था तो मैं चलता गया गाय मिली डॉग्स मिले शीप मिली एक्साइटेड था मैं मैं फ़ोटोज़ क्लिक करने लगा और फ़ोटो क्लिक करते करते थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे वहाँ पर एक शेफर्ट का एक हट दिखा वहाँ पर उसके पास बहुत सारी शीप्स थी और वो अकेला बंदा दिखा मुझे उस पहाड़ पे वो इतनी देर में तो उससे मैंने पूछा कि भाई ऊपर जाना सेफ़ है तो बोलता है कि हाँ सेफ है मैं तो रोज़ जाता हूँ तो आई ऐसे कि चलो बढ़िया है हम यहाँ तक तो आ ही गए हैं तो ऊपर तक जाएंगे कि एक वो ज़िद्द रहती है ना कि बीच में से वापस चला जाऊँगा तो लोगों को क्या बोलूँगा कि मैं टॉप तक नहीं पहुँचा तो इसलिए फिर मैं ज़िद्द में चलता गया चलते 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 थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग आने लगी कि बस यश अब इसके बाद नहीं बढ़ना आगे क्यों नहीं बढ़ना पता नहीं बट अंदर से आ रहा था कि इसके आगे नहीं जाना है तो मैं ठहरा थोड़ा जिद्दी मैंने कहा नहीं नहीं जाएंगे मैं फिर और चलना शुरू हुआ अब आसपास जले हुए पेड़ दिख रहे हैं बहुत सारे दूर दूर तक मतलब कोई है नहीं तो खाई दिख रही है एक साइड पे एक साइड पे जले हुए पेड़ दिख रहे हैं सामने कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है और मैं अकेला चलता जा रहा हूँ अब नीचे से भी मैं काफ़ी ऊपर आ चुका था तो थोड़ा सा उसकी वजह से शायद था या बस यूं ही अंदर से एक इंट्यूशन थी कि इसके आगे नहीं इसके आगे नहीं मैं फिर भी जिद में चलता गया चलता गया फिर एक टाइम पे मेरे सामने एक पेड़ गिरा हुआ था मतलब वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे जो टूटे हुए थे गिरे हुए थे बट वो कोई भी ऐसा नहीं था जो किसी रास्ते को ब्लॉक कर रहा हो तो बट मैं जिस रास्ते पर चलता जा रहा था वो पेड़ उसके आगे जस्ट आड़ा गिरा हुआ था टूटा हुआ था उसको देख के बहुत अजीब सी फीलिंग आई मैंने सोचा कि अब इसको एक साइन की तरह समझो कि बस ये डेड एंड है इसके बाद नहीं जाना है आगे बट फिर भी मन नहीं माना मुझे लगा कि यार फोटो तो टॉप से लेनी है मुझे व्यू भी कितना अच्छा होगा तो मैं जाऊँगा मैंने जैसे ही उस पेड़ के आगे एक स्टेप रखा उस पेड़ को लांग के मैं आगे बढ़ा शायद तीसरा चौथा कदम होगा मेरा और मुझे एक स्कल दिखाई देता है स्कल इंसान का नहीं स्कल था वो एक शायद गाय का और वो देख के मुझे अच्छा नहीं फील हुआ मैंने कहा देखो बहुत सारे साइन जैसे लग रहे हैं मुझे नहीं जाना चाहिए फिर भी जिद थी और आगे चल दिया आगे जाके मुझे एक पूरी की पूरी गाय का स्केलेटन दिखता है उसके आसपास बहुत सारे डॉग्स बड़े बड़े फर वाले उनको देखता हूँ मैं और वो सब मुझे देखते हैं आई थाट कि अगर ये मेरे पीछे आ गए क्योंकि मैं इनसे फैमिलियर नहीं हूँ और ये हमारे गली के डॉग्स जैसे नहीं होते तो आई सेड कि अगर मैं इनसे फैमिलियर नहीं हूँ तो मुझे वापस चलना चाहिए नहीं तो मैं भाग भी नहीं पाऊँगा इनको तो प्रैक्टिस है मुझे नहीं है तो मैं फिर वहाँ से पलटने की सोची फिर वो डॉग्स चले गए तो फिर से थोड़ा सा लालच आया दो ही कदम आगे बढ़ा था वहाँ पर मुझे कुछ अच्छा पॉइंट दिखा मैंने सोचा फ़ोटो क्लिक करता हूँ अब अगर आप में से कोई टैब यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा कि जो टैब के कवर्स होते हैं तो मैंने उस समय नया नया आईपैड लिया ही था तो उसका एक नया कवर भी था कवर बहुत अच्छी ग्रिप वाला था उसमें से आपका निकल पाना आपके आईपैड का वो पॉसिबल नहीं था बट ऐसा हुआ कि मैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए मैंने टैब निकाला कवर के साथ ही और मैं फ़ोटो क्लिक करने लगा अचानक से वो आई उसमें से उछल के नीचे गिर गया और वो स्लाइड होके जाने लगा खाई की तरफ और मैं उसके पीछे जंप करके बस उसको पकड़ लिया मैंने एज पे बिल्कुल और हार्ट बीट एकदम तेज़ हो गई थी बिकॉज नया, नया लिया ही था उस समय पे एंड आज भी मेरे आईपैड पे वो छोटा सा निशान अभी भी है वो जो वहाँ से लग के आया था तो वो मैंने उसको संभाल के रखा है वो वहीं की निशानी है एज इट इज़ वहाँ से, आ, वहां से इस एक, इसके बाद में मैं बस आ गया मैंने कहा अब हो गया इससे ज़्यादा बड़ा साइन और क्या ही होगा मुझे देखना भी नहीं है तो मैं वापस पलट गया अब अब मैं आपको क्या बताऊँ आपको ऐसे ना आपका मन बहुत ही विचित्र है आपको कभी कभी एकदम से बहुत पॉजिटिव फील होता है कभी कभी एकदम से नेगेटिव फील होने लग जाता है तो मैं जैसे ही पलटा तो मुझे ऐसा वियर्ड और नेगेटिव फीलिंग्स आने लगी मैं ऊपर चढ़ रहा था जितनी पॉजिटिविटी के साथ उतना ही नेगेटिव मुझे फ़ील हो रहा था नीचे उतरते समय तो मैंने बस यू नो बाबा जी का नाम लिया राम राम करने लगा और मैं फटाफट जितना जल्दी हो सकता था वहाँ से निकला और नीचे उतरने लगा आश्रम जब तक नहीं दिखा मुझे तब तक बड़ा यू नो नेगेटिव फील हो रहा था आश्रम देखने के बाद मैं थोड़ा ठीक लगा मैं फटाफट फड़ से नीचे आ गया और चला गया अब ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है यहाँ पर एक छोटा सा किस्सा और बाकी है हम जिस दिन आ, ये ट्रैकिंग के लिए गया था मैं उसी दिन हमने लंच किया और उसके बाद हमारा प्लान था कि हम इवनिंग की बस लेके और वापस चले जाएंगे बिकॉज़ मेरे साथ जो रुके थे उसमें से एक दिल्ली से ही था तो मुझे उसके साथ दिल्ली जाना था और दूसरा भी वहीं जाता फिर वो दिल्ली से बॉम्बे और दिल्ली से मैं इंदौर के लिए निकल जाता और डेली वाला दिल्ली में रह जाता है तो ये हमारा प्लान था इवनिंग का हमने गए लंच किया पैकअप किया और पैकअप करके हम आ गए बाहर ओटले पर वापस अब मेरे पास में कुछ ऐसी मेमोरीज़ थी उसी ओटले से जुड़ी हुई उस आश्रम से जुड़ी हुई मैं जाने नहीं चाहता था मेरा मन सच बता रहा हूँ मैं ऐसा लग रहा था कि मैं बस वहीं रह जाऊँ बिकॉज़ वहाँ पर ना कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग वाइब्रेशन्स हैं वहाँ की आप आश्रम के गेट के अंदर जाओगे वैसे ही आपको महसूस होनी शुरू हो जाती है और वो इस तीसरी किस्से में आपको समझ आएगी अब हम ओटले पर खड़े हुए थे वहाँ पर हम तीनों बस का वेट कर रहे थे इतने में आश्रम से आते हैं एक ऑस्ट्रेलियन कपल जो अपना घर सब कुछ अपने बच्चों के नाम करके जो प्रॉपर्टीज़ थी जो बेचना थी वो बेच के और यहाँ पर रह गए हमेशा के लिए और वो हिंदी जानते वो संस्कृत जानते वो आए हमारे सामने चाय पीने के लिए आए थे वो वहाँ पर और उन्होंने हमसे पूछा कि आप जा रहे हैं हिंदी में ये बात उन्होंने हमसे करी थी ऑस्ट्रेलियन कपल है नेटिव उन्होंने पूछा आप जा रहे हैं वी सेट कि हाँ बस दूसरा दिन है आज हमको कल हमने दर्शन कर लिए सब हो गया आज निकलते हैं अब बस घर जाएंगे तो वो हमको एक लाइन बोलते हैं कि आज आपको नहीं जाना चाहिए अब देखो क्या होता है जब आप मानते हो तो हर चीज़ आपके लिए एक साइन हो सकती है और अगर आप नहीं मानते हो तो सब को है तो उन्होंने हमको बोला कि आज, आज आपको नहीं जाना चाहिए हमने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ लिया क्यों दिस इट कि कल माताजी दर्शन देंगी अगेन हम उस माइंड सेट में आ चुके थे एकदम ब्लैंक वाला फेज आ गया था अब माता जी कौन है क्योंकि ये रहस्य तो हमें पता ही नहीं था इस रहस्य का तो इंटरनेट पे भी जिक्र नहीं है इस रहस्य के बारे में कोई नहीं जानता बहुत कम लोग जो वहाँ पर आए हैं या जो बहुत डीप में उनको उनके बारे में पता किया होगा तभी उनको समझ आया होगा कि माता जी कौन है असल में तो मैं आपको बताता हूँ उन्होंने कहा कल माता जी दर्शन देंगे हमने कहा कि चलो ठीक है फिर एक दिन और सही क्योंकि रहने के लिए तो इतना पैसा लग नहीं रहा था ना होटल में जो एक दिन में लगता वो हमारा तीन चार दिन में हो जाता तो हमने कहा कि एक दिन और रुक जाते हैं क्या ही चला जाएगा दर्शन हो जाएंगे इसी बहाने तो उन्होंने हमको एक्चुअली ये बताया कि माता जी जो है वो नीम करौली बाबा के बहुत बड़ी और ख़ास सेविका थी उनकी कुछ लोग दासी वर्ड यूज़ करते हैं तो दासी बोल सकते हैं तो वो रही है और ऐसा बताते हैं कि उन्होंने बाबा से बहुत सारा ज्ञान और शायद सिद्धियाँ भी ली थी तो उनके पास भी बहुत सी पावर्स थी बहुत सी ऐसी उनकी ब्लेसिंग बाबा जी की ब्लेसिंग थी जो उन उनके साथ अब भी है तो आई सेट कि चलो अभी इनके दर्शन तो करना पड़ेंगे कौन है कल देखते हैं तो हम रुक गए रात हो गई अगला दिन सुबह सुबह उठ के उन्होंने कहा कि जल्दी आप आ जाइएगा आश्रम हम लोग तैयार हो पहुँच गए पहली चीज़ कि आश्रम में एक फ्लोर ऊपर भी है वो हमें पता नहीं था मतलब दिखता था बट वहाँ कुछ है वो हमें नहीं मालूम था या वहाँ जाना अलाउड है या हमें नहीं पता था और एक्चुअल में अलाउड था भी नहीं वो सिर्फ उस दिन जब माता जी दर्शन देने वाले थे तब ही अलाउड किया अलाउ किया था तो उन्होंने कहा फर्स्ट फ्लोर पर चले जाइए और वेट कीजिए हमने चढ़ाव देखा हम वहाँ से चढ़ने शुरू हुए ना अब आपको शायद लग सकता है कि मैं बना रहा हूँ कहानी या बस यूँ ही बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ बट ये मेरा सच्चा एक्सपीरियंस है और इस कहानी को सुनाने के पीछे भी कोई खास इंटेंशन नहीं है सिर्फ कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करा आपको तो अब आपके ऊपर है आप मानते हैं नहीं मानते हैं वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं वहाँ पर हर एक स्टेप पे आप ऊपर चढ़ते जा रहे हो और आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत तेज़ वाइब्रेशन महसूस होनी शुरू हो रही है और मतलब ये समझो कि आप होता है ना ऐसा हम डिवाइन प्लेसेस पे जाते हैं हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे भी जब बहुत प्राचीन मंदिर होता है जब बहुत स्ट्रांग एनर्जी फील्ड होती है तो आपको वो वाइब्रेशंस महसूस होती है अंदर बट जब वाइब्रेशंस और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जब एनर्जी फील्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो आप फिज़िकली उन वाइब्रेशन को फ़ील कर सकते हैं मैं वही महसूस कर रहा था उस समय पर कि मेरा ऐसा लग रहा था पूरा बॉडी शिवर कर रहा है और अगेन वही चीज़ एग्जैक्ट वही जो मैंने आपको बताया मेरे ऑफिस में बैठ के जैसे आंसू निकलने शुरू हुए थे बिल्कुल उसी तरह आंसू निकलने फिर से शुरू हुए और अनकंट्रोलेबल मैं कोशिश कर रहा हूँ बट वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं बस निकलते जा रहे हैं और हम चलते जा रहे हैं ऐसा नहीं है कि हमने अभी कोई दर्शन किया है या अभी कुछ भी हमारे सामने कोई तस्वीर हो या माता जी ने दर्शन दे दिया हो ऐसा कुछ नहीं है अभी तो सिर्फ हम ऊपर आए ही हैं और उस रूम तक जा रहे हैं जहाँ पर माता जी होती है हम आगे बढ़ते गए बॉडी शिवर कर रहा है आंखों से आंसू निकल रहे हैं मैं और मेरा जो रूममेट था वो हम दोनों की कंडीशन सेम हम दोनों वहाँ तक पहुँचे और हमको लगा पहले कि हम ही ऐसा महसूस कर रहे हैं कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम है बट हमने वहाँ जा देखा बीस पच्चीस लोग और बैठे थे लगभग और लगभग सभी का यही हाल है सब रो रहे हैं और सब बस बैठे हैं कोई ध्यान में भी नहीं है बस रो रहे हैं बस बैठे हैं हनुमान चालीसा हो रही है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब माता जी दर्शन देंगी तो वहाँ पर एक कमरा बना हुआ था और उस कमरे के बाहर एक उन्होंने रस्सी से एक बॉर्डर बना दिया था कि इसके आगे कोई आए ना हम बैठे रहे हनुमान चालीसा का पाठ हुआ उसके बाद में लोग राम राम जब करने लगे थोड़ी देर में दरवाज़ा खुलता है और हमारे सामने माता जी है जो दर्शन देती है उनका एज बहुत ज़्यादा था उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वो खुद चल नहीं सकते थे तो उनको व्हील चेयर पर बैठा के बाहर लेके आए थे कुछ मिनटों के लिए बस दो से तीन मिनटों के लिए माता जी आई और उन्होंने उनके हमने दर्शन किए उनके दरवाज़ा खुलते ही उनके सामने आते ही अनबेरेबल वाइब्रेशंस इन बॉडी आपका हार्ट आपके टीथ तक शिवर करते महसूस हो रहे हैं वो साउंड क्रिएट करना शुरू हो रहे हैं और आपको इतना ज़्यादा रोना आ रहा है कि आपकी आंखें लाल हो चुकी है और आप आपको समझ नहीं आता है कि आप बैठना चाहते हो कि आप उठना चाहते हो आप खड़े होना चाहते हो आप क्या करना चाहते हो यू डोंट नो सडनली ऑल द प्रॉब्लम्स स्विच ऑफ ऑल दरीज स्विच ऑफ ऑल द स्ट्रेस स्विच ऑफ एंड यू आर सडनली इन अ वेरी डिफरेंट जोन मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा बिकॉज़ मुझे याद नहीं है ऑनेस्टली कि एक बहुत कुछ क्या हुआ था बिकॉज वो जोन बहुत अलग था उसके बाद माता जी को वापस आ, कमरे में शी इज़ अ लेडी जब मैं माता जी वर्ड बोल रहा हूँ तो उनको रेस्पेक्ट से माता जी बुलाते हैं शी इज़ अ लेडी शी वॉज़ अ फॉरिनर और वो यहाँ पर रह गई थी बाबा जी की सेवा के लिए तो वो तब से उनके साथ में ही थी सबसे पुरानी भी उनको बताया जाता है बाबा के साथ में तो जैसे ही वो उनको वापस अंदर करते हैं डोर्स क्लोज होते हैं हम नीचे आते हैं उसके बाद थोड़ी देर में नॉर्मल फील होने लगता है तो उसके बाद ना जाने का मन नहीं हुआ ना इसलिए ये चीज़ सुबह सुबह हो चुकी थी हमारी बस फिर से इवनिंग में थी उसके बाद पूरा दिन मैं आश्रम में रहा और आश्रम में उसी खाट के पास बैठा रहा एंड इतना शांति आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी ऐसा नहीं है कि आपके आसपास लोग नहीं हैं लोग घूम रहे हैं दर्शन कर रहे हैं नाम जप रहे हैं बट इतना शांति मैंने कभी महसूस नहीं किया था एंड आई कैन टेल यू कि दैट वाज द डे जब कुछ बदला था मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ बदला था बट कुछ तो बदला था ऐसा लग रहा था कि जब मैं वापस जाऊँगा ना तो मैं अपने साथ मैं अकेला नहीं जाऊंगा मेरे साथ कुछ तो पावर है वो जाएगी और क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मैं जो कन्फ्यूजन में था ना मैंने आपको बताया कहानी की शुरुआत में कि समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं किस लेवल पे करूं किस तरह से शुरू करूं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मनी को प्रायोरिटाइज़ किया जाए या फिर थोड़ी और हिम्मत रखी जाए थोड़ी और रिस्क ली जाए और जो आपको सिग्निफिकेंट लग रहा है वो किया जाए तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई थी मुझे समझ में आ रहा था कि ओके मैं वापस जाऊँगा और ये करूँगा मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे एग्जैक्ट प्लान समझ आ गया था कि मुझे क्या करना है मैं बस इतना कह रहा हूँ कि क्लैरिटी थी विजन को लेके कि जो भी हो जाए अब यही होगा यही करूँगा और मैं छोटी छोटी स्टेप्स इसलिए नहीं लूँगा बिकॉज डर लग रहा है और उसी दिन से मैंने ये अपने लिए एक लाइन रख ली थी कि एक एक क्या बोलना चाहिए एक प्रिंसिपल बना लिया था कि आई विल नॉट एक्ट आउट ऑफ फियर मैं डर से कोई भी डिसीजन नहीं लूँगा मैं जब भी कोई डिसीजन लूँगा वो मेरे कॉन्शियस चॉइस होगी डर के मारे में कोई काम नहीं करूँगा ये मुझे समझ में आ गया था उसकी वजह से चीज़ें काफ़ी बदलने लगी करियर में भी और पर्सनल लाइफ में भी मैंने वापस आते ही कोचिंग जो मैं चला रहा था जो ऑफिस मेरा था उसको मैंने आते ही एक वीक के अंदर अंदर बंद कर दिया कि ये नहीं करना है मुझे और मैं वहाँ से बाहर आ गया क्योंकि वहाँ पर हम ट्यूशन कोचिंग जैसा पढ़ाया करते थे एंड आई डेंट वॉन्ट टू बी देट मैंने वो बंद कर दिया देन आई स्टार्टड क्रिएटिंग प्लान्स मेरे पास आज भी वो डायरीज़ रखी है जिसमें वहाँ से आने के बाद में मैंने नोट्स बनाए थे ब्रेन किया था कभी होगा तो मैं आपके साथ किसी वीडियो में उसके पेजेस और उसकी फ़ोटो शेयर करूँगा तो ये जो एक्सपीरियंस है ये मैजिकल तो था ही उसके साथ साथ बहुत नया भी था मेरे लिए जो माता जी के हमने दर्शन किए तीन महीने बाद में जब मुझे पता चलता है क्योंकि जो लड़का दिल्ली का था वो वापस गया था आश्रम तीन चार महीने बाद तो उसने मुझे बताया कॉल करके कि यश भाई आपको पता है जो माता जी के हमने दर्शन किए थे ना उन्होंने सालों से किसी को दर्शन नहीं दिए थे सालों से उस दिन हम बहुत स्पेशल थे बहुत धन्य थे जो हमें उस दिन वो दर्शन मिले और क्योंकि वो दर्शन होना लिखा था तो हमारे जाते वक्त बैग पैक हो चुके हैं हम बस का वेट कर रहे हैं और वो ऑस्ट्रेलियन कपल आता है और हमको बताता है कि कल माता जी दर्शन देगी जबकि हमें ना माता जी के बारे में पता था और ना उस दर्शन के बारे में पता था और ना ये पता था कि उन्होंने सालों से किसी को दर्शन नहीं दिए हैं और हमारे दर्शन के तीन से चार महीने बाद उन्होंने उसके बाद में भी कभी किसी को दर्शन नहीं दिए और उनका भी स्वर्गवास हो गया उन्होंने भी समाधि ले ली वो सुनने का मैं देखिए आज भी आपको बता रहा हूँ और मुझे फिर से घुसबम से महसूस हो रहे है इसी स्टोरी में मैं कंटिन्यूसली कौन, वही करंट महसूस कर पा रहा हूँ बात करते हुए भी क्योंकि एनर्जीज़ देर एवरी ना उसके लिए आपको नैनीताल आप जाओगे तो वो गढ़ है वो सोर्स है तो डेफ़िनेटली कैची धाम में आपको बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी महसूस होगी बट जब आप दिल से कनेक्टेड होते हो ना मन से आप जुड़े हुए होते हो तो आपको हर जगह वो चीज़ महसूस होती है तो मुझे वो सुनने के बाद में बुरा भी लगा और ऐसा भी लगा कि कुछ तो था कि बाबा जी सडनली सामने आए उस दिन उस कंप्यूटर पर मैं एक महीने के अंदर अंदर ही उनके पास भी पहुँच गया माता जी जिन्होंने सालों तक दर्शन नहीं दिए थे उन्होंने दर्शन दिए और उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया मुझे जो क्लैरिटी चाहिए थी तो मुझे वो क्लैरिटी मिल गई और तब से ले आज तक मैं करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ लोग पूछते हैं कि आपकी एनर्जी कहाँ से आती है आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है देखिए बहुत सारे सोर्सेस होते हैं कुछ हिडन होते हैं कुछ नॉन होते हैं कुछ लोगों को समझ में आते हैं कुछ नहीं आते और अक्सर जो लोग आपको टिप्स देते हैं ना वो टिप्स इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी कई बार मैंने भी ऐसी बातें आपसे कही होगी तो जो टिप्स होती है वो इसलिए होती है क्योंकि उसको इन जनरल बहुत सारे लोग बिलीव कर लेंगे बिकॉज साइंस बैकड है बट कुछ चीज़ें होती है जो साइंस के भी परे है और वो सिर्फ़ और सिर्फ तब आपको दिखाई देती महसूस होती है जब आप उसमें मानते हैं नीम करोली बाबा के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है मैंने ये स्टोरी इसलिए नहीं सुनाई कि आप लोग नैनीताल जाओ या कैची धाम जाओ ही जाओ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहता था आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो इसके आगे और भी बहुत कुछ हुआ है वो मैं आपको अलग अलग स्टोरीज़ में बताता रहूँगा इस स्टोरी में मैं सिर्फ़ इस किस्से के बारे में बताना चाहता था जो मैंने एक्सपीरियंस किया आउट ऑफ ब्लू अनप्लान एंड इट्स पावरफुल आई के जिस से वन थिंग दैट इट्स पावरफुल टू बिलीव एंड कभी भी कोई भी डिफ़िकल्टी आए ना लाइफ में जैसे हनुमान जी के लिए कहते हैं ना कि वो हर जगह है आप दिल से याद करोगे वो आपके सामने आ जाएंगे हो सकता है उनके लिए बोलते हैं ना कि राम नाम जहाँ लिया जाता है वहाँ पर वो मौजूद होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं तो आज हम जिनकी बात कर रहे हैं हो सकता है कि आज वो एनर्जी भी हमारे आसपास हो तो मैं मानता हूँ इस चीज़ को आप अगर ट्राई करना चाहो तो करके देखो लाइफ में जब कभी भी कोई डिफिकल्टी आए डिफ़िकल्ट मोमेंट आए टाइम ऐसा आए फेस गलत चल रहा हो तो आंखें बंद करना कुछ देर ध्यान करना नीम करोली बाबा की तस्वीर आपके पास ना हो तो भी आप गूगल पर सर्च करके निकाल सकते हो आप उनको सामने रखिए आंख बंद कीजिए और फिर देखो आपको कितना शांति कितना सुकून कितना गाइडेड महसूस होता है मैं आज भी वो गाइडेंस महसूस करता हूँ जब कभी कुछ भी डिफ़िकल्ट होता है तो आई फील दैट गाइडेंस वो सम हाउ बता देती कि आगे क्या करना है एंड आई डू बिलीव एंड फॉलो दैट तो चलिए इस कहानी को यहीं पर विश्राम देते हैं और फिर मिलेंगे अगली एक रियल लाइफ इंसिडेंस एक रियल लाइफ स्टोरी के साथ में आई होप आपको स्टोरी सुन के अच्छा लगा होगा कुछ आ, फील कर पाए होंगे या कुछ नया थाट प्रोवोक हुआ होगा आई डोंट नो जो भी है आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो कमेंट्स में कर सकते हैं थैंक यू सो मच जय श्री राम